गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 10 एंड द चैप्टर नेम इज द बॉय विद टू शैडोज। एक लड़का जिसके पास कितनी छाया है? टू। शैडो मीन्स छाया। देयर वॉज वंस अ लिटिल बॉय, यहाँ एक बार एक छोटा सा लड़का था। हु टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज शैडो, जिसने जो क्या करता था, अपनी छाया की बहुत अच्छे से केयर करता था। ही लुकड आफ्टर हिज बटन्स एंड शूज एंड ऑल द थिंग्स विच बिलोंग टू हिम, वो उन सब चीज़ों की केयर करता था जो कि खुद की उसकी थी। बट लेकिन मोस्ट स्पेशली ही टुक केयर ऑफ हिज शैडो बिकॉज ही न्यू ही हैड ओनली वन, क्योंकि लेकिन वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्पेशली वो जिसकी जो शैडो थी, उसकी छाया थी, उसकी बहुत अच्छे से केयर करता था, क्योंकि उसे पता था, वह जानता था कि ही हैड ओनली वन, वह ओनली एक है, मतलब जो छाया है ओनली वन ही तो है, ये हर किसी के साथ एक ही तो छाया होती है। ही टुक सो मच केयर ऑफ हिज शैडो, उसने जो अपनी छाया की देखभाल की, उसकी केयर करता था इतने अच्छे से, दैट जो अ विच नोटिस्ड दिस, एक जो विच थी, विच जानते हो ना, चुड़ैल बोलते हैं, जो कि उसने नोटिस कर ये चीज़ उसने नोटिस की। आई हैव बीन वॉचिंग यू शी सैड, मैं आपको देख रही हूँ, उसने कहा। जो सी मतलब यहाँ पे कौन है, वही विच जो कि चुड़ैल होती है। तो आई हैव बीन वॉचिंग यू, मैं आपको देख रही हूँ। आई लाइक द वे यू लुक आफ्टर योर शैडो, मुझे पसंद है वो, मतलब मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद है, जैसे कि आप क्या करते हो, इतने अच्छे से अपनी शैडो की देखभाल करते हो, ये मुझे पसंद आया, मतलब उसको अच्छा लगता है कि वो अपनी देखभाल अपनी जो शैडो है उसकी देखभाल कितने अच्छे से करता है। द थिंग इज, बात यह है, आई एम गोइंग अवे ऑन होलीडे फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए होलीडेज पर जा रही हूँ। आई नीड समवन टू वॉच ओवर माई शैडो, तो मुझे किसी की आवश्यकता है जो मेरी क्या कर सके, मेरी छाया की देखभाल कर सके। वाइल आई एम अवे बट आई डोंट वॉन्ट टू गिव इट टू जस्ट एनी वन, आई वॉन्ट टू लीव इट विद यू। तो वो बोलती है कि मैं जब वहाँ जाऊँगी तो मैं किसी ऐसी व्यक्ति को देना नहीं चाहती, आई वॉन्ट टू लीव इट, मैं इस छाया को आपको देना, आपके साथ छोड़ के जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लीव इट, मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ विद यू, आपके साथ। द बॉय डिड नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद अ विच, जो बॉय था वो उससे बहस करना नहीं चाहता था विच से। ऑल राइट, ठीक है, ही सैड, उसने कहा, बॉय ने कहा, ऑल राइट, बट प्लीज़ कम बैक सून, लेकिन जल्दी वापस आना। द विच गेव हिम अ विक्ड स्माइल, तो जो विच थी उसने क्या किया, एक स्माइल की, मतलब अपनी तरीके से स्माइल की। दो शी वॉज रियली ट्राइंग टू बी नाइस, तो जब वो, यद्यपि शी वॉज रियली, वो वास्तव में उसने कोशिश की बहुत अच्छे से, मतलब जब वो उसको दे के जाती है। इफ़ यू लुक आफ्टर माई शैडो वेल, यदि तुम मेरे बाद इस शैडो को अच्छे से देखोगे, सी प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, यू कैन हैव योर वेरी ऑन मैजिक स्पेल, तो तुम्हें, मतलब वो अपनी तरफ से देना चाह रही है, तुम अपना एक मैजिक स्पेल होगा तुम्हारा खुद का हो सकता है, मतलब वो उसको गिफ्ट देगी। एंड सी फास्टेंड हर शेडो टू द बॉय शेडो, उसने क्या किया, अपनी शेडो को बॉयज़ की शेडो से बांध दिया। देन शी गॉट ऑन हर ब्रूम एंड फ्लू अवे, उसके बाद क्या हुआ, वो उसने अपना ब्रूम उठाया, ये झाड़ू टाइप का होता है, लिया और उड़ गई। द बॉय नाउ हैड टू शैडोज, अब बॉय के पास कितनी शैडोज हो गई, टू शैडोज, वन वाज हिज ऑन, एक उसकी खुद की, एंड द अदर वाज द
फियर्स क्रॉक्ड एंड थॉर्नी शेडो ऑफ द विच, और एक उस विच की होगी, तो टू शेडोज होगी उसके पास। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही हैड नथिंग, कुछ नहीं था, बट ट्रबल विद इट, उसके साथ कुछ अजीब सा हुआ। इट वॉज द वर्स्ट बिहेव्ड शेडो इन द वर्ल्ड, क्योंकि यह जो शेडो थी उसके पास, लड़के के पास छोड़ के गई थी, वो क्या थी, बहुत ही, उसका बहुत बुरा व्यवहार था पूरे संसार वर्ल्ड में, सबसे बुरा बुरी शेडो थी। वैन द लिटिल बॉय वेंट टू अ शॉप टू बाय सम एप्पल्स, जब छोटा सा लड़का एप्पल खरीदने के लिए एक शॉप पर गया, द विचिस शेडो वेंट इन, तो विचिस की जो शेडो थी उस वेंट इन एंड आउट अमंग द शेडो ऑफ द फ्रूट्स, तो जो विच की जो शेडो थी वो क्या कर रही थी, फ्रूट्स की छाया के अंदर और बाहर गई, मतलब उसके अंदर जा रही थी। इट पुल्ड आउट द शेडो ऑफ ऑल द अराउंड, उसने सारे ऑरेंज की जो शेडो थी उसको खींचा, एंड पुट देम विद द शेडो ऑफ द पीचेस, और उन शेडो को किसके साथ रख दिया, ऑरेंज की शेडो को पीचेस की शेडो के साथ रख दिया। द मैन इन द फ्रूट शॉप सेड, फ्रूट शॉप के जो मैन था उसने कहा, वी कांट हैव दैट शेडो हियर, मैं नहीं रख सकता इस प्रकार की शेडो को, हाउ कैन आई सेल ऑरेंज, मैं ऑरेंज कैसे बेच, ऐसे ऑरेंज कैसे बेच सकता हूँ, दैट जो डजेंट हैव शेडो, जो कि क्या नहीं रखते, जिसकी शेडो छाया ही नहीं है, एंड हु इज गोइंग टू बाय पीचेस विच हैव द शेडो ऑफ ऑरेंज, ऐसे पीचेस कौन खरीदेगा जो कि ऑरेंज की शेडो, जिसमें ऑरेंज की शेडो, आई सिंपली कांट लेट द विच शेडो वंडर अबाउट ऑन इट्स ओन, तो वो क्या होता है, यह बहुत सिंपल, क्योंकि जो विचेस की जो शेडो थी वो ये सब कौन कर रहा था, वही तो कर रही थी अपनी शेडो को उनके अंदर, मतलब उनके अंदर एक दूसरे के अंदर चेंज करके शेडो को, थॉट द बॉय, बॉय ने सोचा, एंड ही रस्ट आउट ऑफ द शॉप विदाउट द एप्पल, और वो एप्पल के बिना ही वो शॉप के बाहर आ गया। एट होम, घर पर, ऑल थ्रू टी ट्री के दौरान, द विचेस शेडो स्ट्रेच्ड इटसेल्फ लॉन्ग, एंड जो विचेस की जो शेडो थी, जैसे ही वो घर पे आता है, टी पी रहा होता है, टी पर होता है, मतलब चाय पी रहा होता है, तो जो विचेस की शेडो थी उसने अपने आप को क्या किया, स्ट्रेच्ड किया, खींचा, इटसेल्फ लॉन्ग, लंबा, एंड लीप्ड अक्रॉस द वॉल, और उसने एक वॉल, दीवार की ओर जंप लगाई। रियली, सेड द लिटिल बॉयज मदर, लिटिल बॉय की मदर ने कहा, आई कांट इन्जॉय माई टी, मैं अपनी टी के साथ इन्जॉय नहीं कर सकती, विद दैट स्ट्रेंथ थी, इस इतनी भयानक विचित्र सी चीज़ के साथ, डांसिंग ऑन द वॉल, वॉल पर डांस करते हुए, यू विल हैव टू पुट इट अवे, तुम्हें रखना चाहिए, पुट इट, मतलब इन सबसे दूर रहना चाहिए, मतलब यहाँ नहीं करना चाहिए। बट द बॉय न्यू ही मस्ट लुक आफ्टर द विचेस शेडो, लेकिन बॉय को पता था ही मस्ट लुक आफ्टर द विचेस शेडो, ये सब इसके पीछे किसका हाथ है, विच की जो शेडो थी वही थी। सून, जल्दी ही लर्नड टू कीप इट फ्रॉम गेटिंग इनटू मिस्चीफ, तो उसे जल्दी ही उसे पता चल गया था कि इसकी जो दुर्व्यवहार है मुझे उससे कैसे बचना है, उसको कैसे, मतलब शांत रखना है। एट लास्ट, अंत में, इट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग विग्ड टू डू, अब वह कुछ भी बुरी शरारत नहीं कर सकी, जो विचिस की जो शेडो थी वो कुछ भी शरारत नहीं कर सकी। दिस मेड द शेडो वेरी एंग्री, इससे क्या हुआ, जो शेडो थी और गुस्सा हो गई। वन डे, एक दिन, इट थॉट ऑफ सम न्यू एंड मेन ट्रिक, अब एक दिन उसने सोचा एक नई सी ट्रिक, सम न्यू ट्रिक्स, मेन ट्रिक सोची। इट बिगेन टू, अब इसने शुरू कर दिया, टू पिंच एंड टीस एंड वाइट द लिटिल बॉयज ऑन शेडो, अब जो लिटिल बॉय की शेडो थी उसको क्या करना शुरू कर दिया, पिंच मतलब नोचना, एंड टीस उसको परेशान करना, बाइट उसको काटने लगा, बॉय की शेडो को परेशान करना शुरू कर दिया। इट पुश्ड इट इनटू डस्टी प्लेस्ड,
और इसने क्या किया, इसको डर्टी प्लेस में गिरा दिया एंड थॉट ऑन इट्स हील्स, और अपने पंजों से उसके पैरों को दबाने लगा, मतलब उसकी जो बॉय की शैडो थी उसको तंग करने लगी ये शैडो बहुत ज़्यादा। एंड दे हरी डाउन द रोड, और वो क्या करती थी, मतलब उसको बार बार गिरा रही थी एंड उसकी हील्स को उसको पंच कर रही थी, टीस कर रही थी एंड बाइट कर रही थी। दिस वेंट ऑन फॉर मैनी डेज, यह अब बहुत इससे क्या हुआ, कई दिन बीत गए। द बॉय शैडो कुड नॉट बियर दिस एनी लॉन्गर, अब जो बॉयज की जो शैडो थी बहुत अधिक समय तक नहीं सहन कर सकी। वन डे एक दिन ही थॉट ऑफ सॉरी वन डे व्हेन ही वाज ऑन हिज वे होम, जब वो अपने घर के रास्ते घर की ओर आ रहा घर की ओर रास्ते पर था, ही शो द विचेस शेडो, उसने विच की शेडो को देखा। निप हिज ओन स्मॉलर शेडो विद हिज लॉन्ग फिंगर नेल्स, तो वो क्या कर रही थी, उसने उसको देखा कि वो उसकी जो शेडो है विच की शेडो, वो बॉय की शेडो को क्या कर रही है, अपने फिंगर नेल से उसको क्या कर रही है, नेल्स चुबाना वो उसको नोच रही है। द शेडो लीप्ड इन टू द एयर, जो शेडो थी वो डर की वजह से, जो बॉय की शेडो थी वो क्या कर रही थी, जल्दी से जंप किया उसने एंड ब्रॉक अवे फ्रॉम द बॉयज़ फीट, और वो जल्दी से क्या होती है, बॉयज़ की फीट की ओर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसको परेशान कर रही थी, तंग कर रही थी ना उसकी शेडो विच की, तो वो एयर में हवा में हवा में एकदम से जंप लगाती है, और उससे बचने के लिए विच की शेडो से बचने के लिए वो बाहर पैरों के थ्रू निकल आती है। देन इट फ्लू डाउन द रोड, इसके बाद वह उड़ गई डाउन रोड लाइक अ ग्रेट ब्लैक बीटल, और ब्लैक बीटल की तरह वो बाहर निकल आती है। द बॉय रेन आफ्टर इट, जो लड़का था उसके पीछे पीछे दौड़ा, बट इट वॉज नो वेयर टू बी सीन, उसके बाद वो क्या हुआ, कहीं भी दिखाई नहीं दी। नाउ द बॉय हैड ओनली वन शैडो, अब बॉय के पास कितनी शैडो थी, ओनली अगेन दोबारा से एक ही शैडो रह गई, बट इट वॉज द रॉन्ग शैडो, लेकिन जो शैडो थी वो किसकी थी, विच की शैडो थी, उसकी खुद की शैडो परेशान होकर उसके शरीर से निकल मतलब उसके पास से मतलब उसके पास नहीं थी। ही फेल्ट सैड, उसने बहुत बुरा महसूस किया, दुखी हुआ एंड लॉनली, और वह उसने अकेला महसूस किया अपने आप। मैनी डेज वेंट बाय एंड देन वन डे, बहुत कई दिन गुजर गए। एक दिन द विच केम बैक, जो विच थी तो वापस आई। थैंक यू फॉर लुकिंग आफ्टर माई शेडो, उसने उसको धन्यवाद दिया कि मेरी शेडो मतलब मेरी शेडो की देखभाल के लिए धन्यवाद। शी शेड एंड टुक इट बैक, और उसने कहा मुझे वापस कर दो इसे। नाउ अब शेड द विच वेरी कनिंगली, जो विच जो थी उसने बड़ी चालाकी से कहा, क्योंकि वो तो चालाक होती हैं। हियर अ स्पेल फॉर यू, यहाँ है आपके लिए एक स्पेल है, इट्स अ स्पेल इस इट्स अ पिल, यह इफ़ यू स्वेलो द पिल, यदि तुम इसको क्या करते हो, पिल को निगलते हो, स्वेलो में से निगलना, यू कैन टर्न योर सेल्फ, तुम अपने आप को बदल सकते हो इंटू अ कैमल, कैमल में एनी शॉर्ट ऑफ कैमल, किसी भी छोटे कैमल में। तो वॉट अ यूजलेस स्पेल, कितना यूजलेस है स्पेल है, थॉट द बॉय। बॉय ने सोचा, मतलब अपने ही मन में सोचा, बट ही डिड नॉट टेल द विच, उसने विच को कुछ नहीं कहा, उसने अपने आप ही सोचा। कुड आई हैव माई ओन शेडो बैक प्लीज, क्या क्या मैं अपनी शेडो वापस पा सकता हूँ कृपया, मतलब वो उसको तो नहीं चाहिए, उसको टर्न होना ही नहीं है किसी में, उसको तो सिर्फ अपनी शेडो चाहिए थी। तो वो बोलती है, क्या बोलता है बॉय, क्या मैं अपनी शेडो वापस मिल सकती। वेल माई डियर, अच्छा मे अच्छा डियर, सेड द विच ने कहा, नथिंग इज इजी, इजी नहीं, कुछ इजी नहीं है, यू नो तुम जानते हो, आई शेड आई डिड गिव यू अ स्पेल एंड नाउ यू हैव वन, तो वो बोलती है कुछ कुछ इजी नहीं है, तुम जानते हो, आई शेड मैंने कहा ना कि जो मैंने आपको एक स्पेल दिया है एंड नाउ यू हैव वन, जो कि तुम्हारे पास है, आई डोंट हैव मच टाइम,
मेरे पास अधिक समय नहीं है, सो गुड बाय लिटिल बॉय। वो उसको बाय बाय बोल के चली जाती है। नाउ द बॉय वॉकड सैडली डाउन द स्ट्रीट। अब जो बॉय था वो मतलब स्ट्रीट पर बहुत ही उदास तरीके से चल रहा था, वॉक कर रहा था। इट वॉज़ अ ब्राइट मून लिट नाइट एंड एवरी थिंग हैड इट्स सैडो। तो यहाँ पर क्या थी, चंद्र मून लाइट थी, नाइट का समय था और सबकी अपनी क्या थी, शेडो थी। ओनली ही डिड नॉट हैव वन, ओनली वह था जिसके पास नहीं थी। द समथिंग वंडरफुल हैपन, कुछ वंडरफुल मतलब आश्चर्य हुआ। एज ही वॉकड थ्रू द गेट, जैसे ही वह गेट के पास पहुँचा, समथिंग मूव्ड, कुछ कुछ क्या होने लगा, मूव किया सॉफ्टली एंड स्लोली, धीरे धीरे। एज इफ इट वॉज असेम्ड ऑफ इट्सेल्फ, जैसे कि वो खुद के उसकी तरफ हो। हिज ओन शेडो स्लिड आउट फ्रॉम अमंग द अदर शेडो एंड मूव्ड शैडली टूवर्ड्स हिम। और एक जो शेडो थी वो उसकी तरफ धीरे धीरे आ रही थी। ही वॉकड अलॉन्ग विद हिम, वो उसके साथ चला। एंड टू 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 जस्ट एज इट हैज ऑलवेज डन, जैसे कि पहले था हमेशा उसी की तरह हुआ, कि मतलब पहले जैसे चलता था वो, उसके साथ जो शैडो जाती थी उसी की तरह वो अभी भी वही सब कुछ था, शैडो उसके साथ चल रही थी। द बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, बॉय ने मतलब जो शैडो थी उसी के आसपास में ही थी। द बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, बॉय ने एक बार सोचा एक क्षण के लिए। ही डिड नॉट हैव द विचेस शैडो एनी मोर, उसके पास तो नहीं है विच की जो शैडो है, वो तो बहुत समय से नहीं है क्योंकि वो तो विच ले जा चुकी है। ही हैड अ मैजिक ट्रिक दैट, उसके पास एक मैजिक ट्रिक थी दैट जो कुड टर्न हिम इंटू एनी शॉर्ट ऑफ कैमल ही वॉन्टेड टू बी, जो कि एंड नाउ ही हैड हिज ओन शेडो बैक अगेन। तो उसके पास एक मैजिक स्पेल था जो कि क्या कर सकता था, उसको कैमल में टर्न कर सकता था। ही वॉन्टेड टू बी, उसने बनना चाहा। एंड नाउ अब ही हैड हिज ओन शेडो बैक अगेन, और उसके पास क्या आ गया, उसकी खुद की वापस शेडो वापस मिल गई। तो ही वॉज सो प्लीज्ड, वह बहुत खुश था दैट कि ही डिड अ स्ट्रेंज लिटिल डांस इन द मूनलाइट, और वह मतलब डांस करने लगा मूनलाइट में, उसने डांस किया। वाइल जब टुई टू टुई हिज शैडो डांस्ड बिसाइड हिम, तो उसकी जो शैडो थी उसने भी उसके साथ डांस किया क्योंकि उसकी शैडो उसको वापस मिल गई थी।